नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। मोहम्मदाबाद में हाटा रोड पर स्थित कैब कार्यालय पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ, जिसमें प्रदीप वर्मा जिलाध्यक्ष, शकील खां व मुकुंद केशरी जिला महामंत्री बनाए गए। बैठक के मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने कहा कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा SIV छापों की घोषणा की गई। व्यापार मंडल इसका कड़ा विरोध करता है। सरकार को चाहिए कि वो सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए बनाए, न कि व्यापारियों के लिए। यदि जीएसटी विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी जिले के किसी भी बाजार में छापा डालने के लिए आएगा, व्यापार मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा छापा टीम का घेराव किया जाएगा और उन्हें बाजारों से खदेड़ दिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप उर्फ दीपू वर्मा, बैजनाथ प्रसाद बैजू, शाहिद जमाल खान, मोहम्मद तन्हाई खान, गुड्डू शर्मा, योगेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे। सदर तहसील के पीछे शास्त्री नगर मोहल्ले में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में सोमवार की रात किसी तरह आग लग गई। भोर में टेंट संचालक को आग की जानकारी होने पर लोगों की मदद से उसे बुझाया गया। इस घटना में लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। टेंट हाउस संचालक कमलेश गुप्ता ने बताया कि भोर में मैंने देखा कि सभी लोगों की बिजली थी, लेकिन मेरी नहीं थी। जब लाइन देखने के लिए बाहर निकला तो देखा कि MCB गिरी हुई थी और कुछ जलने की बू आ रही थी। देखा कि गोदाम से धुआं निकल रहा था। गोदाम का शटर उठाया तो देखा कि अंदर आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को फोन मिलाने लगा, लेकिन नंबर नहीं लगा। जानकारी होने पर पास पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। लोगों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। बताया कि आग में टेबल, गद्दा, कुर्सियां, मंडप का सामान सहित लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। आशंका जताई शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों, अवैध शराब तस्करी एवं गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गहमर पुलिस को मंगलवार की दोपहर बड़ी सफलता मिली। उसने ट्रक पर लदे मवेशियों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक विमल मिश्र ने बताया कि दोपहर में 12 चौकी इंचार्ज राजेश बहादुर सिंह अपने हमराहियों के साथ चौकी के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान गहमर की तरफ जा रहे एक ट्रक को रोका गया। उसमें लदे 17 गाय, 5 बछड़े एवं 4 बच्चियां बरामद की गई। तस्कर विशाल यादव, प्रदीप यादव और राधेश्याम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में SI संतोष कुमार, कांस्टेबल श्री प्रकाश यादव, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल अतुल सिंह, कांस्टेबल संजीव आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत विकास खंड जमनिया एवं आंशिक रेवतीपुर के नियुक्त BLO एवं सुपरवाइजर को 3 पालियों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें तहसीलदार जमानिया, BDO जमानिया, मास्टर ट्रेनर के रूप में राजस्व निरीक्षक जमानिया, ADO पंचायत जमानिया एवं अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अनुपस्थित रहे कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सत्यप्रीत सिंह, तहसीलदार आलोक, BDO हरिनारायण, ADO पंचायत अरुण दुबे, अजय कुमार रामविलास, राहुल सहित तहसील व ब्लॉक कर्मचारी आदि मौजूद रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संपूर्णानंद यादव ने प्रधानाचार्य को मंगलवार को पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि विगत 8 महीनों से कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गरीब मजदूर जो दिहाड़ी तौर पर अपना जीवन यापन करते हैं, अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसलिए आपसे निवेदन है कि गरीब मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र छात्राओं से 2020-21 की पूर्ण फीस न ली जाए और माफ किया जाए। पत्रक सौंपने के दौरान शुभम कुमार कुशवाहा, नागेंद्र कुशवाहा, शिव बालक यादव, रोहित यादव लल्ला, आनंद यादव, अनुज यादव मौजूद थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।